من اللعب التباكي يا مولا مولا जिस वक्त ब्लास्ट हुआ है उस वक्त एकदम से अफरा तफरी फैली है, लोगों ने भागना शुरू किया है। बहुत अजीब सिचुएशन हुई है, जब हम भागे हमने देखा है तो उस वक्त बिल्डिंग्स के अंदर जो है वो सारी बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं, लोग जो है वो मर चुके हैं। और ये एक मैं कहता हूँ कि बहुत ही ज़ालिमाना इकदाम है कि जो हुआ है, और ये लोग इंसान नहीं है, ये लोग शैतान है कि जिन्होंने लोगों की जानें ली हैं। लेकिन इस सूरत हाल मौजूद है, टारगेट किलिंग जिसकी जगह हो रही है और दूसरी तरफ कराची के शहरियों को टारगेट किलिंग का भी निशाना बन गया है। किस कदर ज़्यादा तबाही हुई है इन धमाकों से नाज़रीन, ये एक रिहायशी इलाका है, ज़ुलूम कार्रवाई की गई है एक रिहायशी इलाके में। हम मज़ीद बात करेंगे एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे नदीम अहमद से। नदीम अहमद, जो विजुअल इस वक्त हम नाज़रीन को दिखा रहे, लाई गई थी लेकिन उन्हें फौरी तौर पर यहाँ से मुंतकिल कर दिया गया था और उन्हें बाकी शहीद अस्पताल, इस वक्त कोई बॉडी मौजूद नहीं है। सभी जख्मी जो अफराद हैं इनमें बच्चे भी हैं, नौजवान पहुँच रहे हैं जख्मी हालत में और उनको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। जो बहुत ज़्यादा जख्मी है उनको फौरी